और दूसरी घटना भी नक्सली हमले को लेकर है, गुमला की खबर है, जहां पे गुमला में जंगलों में स्थानीय लोगों के प्रवेश पर रोक से लोग दहशत ज़दा हैं। केकरू मढ़गढ़ थाना क्षेत्र के गांव में नक्सलियों ने घने जंगलों में पशुओं को चराने और सूखी लकड़ी चुरने पर रोक लगा दी है। नक्सलियों ने जंगलों के कई हिस्सों में बारूदी सुरंग और आईईडी बम बिछे होने की चेतावनी भी दी है। इस फरमान के कारण लोगों को काफी परेशानी हो रही है, लोगों को सूखी लकड़ी और पशुओं के चारे के अभाव का सामना करना पड़ रहा है। तो एक बड़ी खबर, दूसरी बड़ी खबर जो गुमला की है, जहां नक्सलियों ने एक समानांतर सरकार चलाने की कोशिश की है। एक बार फिर से नक्सली सर उठा रहे हैं और लगातार ऐसी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। ताज़ा घटना गुमला की है, जहां तमाम जो वहां के स्थानीय लोग हैं, हालांकि इससे पहले देखा जाता था कि स्थानीय लोग के समर्थन में रहते थे, लेकिन इस बार स्थानीय लोगों के पशुओं को चारा चलाने और सूखी घास को उठाने पर रोक लगा दी। यानी कि जो इलाके हैं नक्सली जहां छिपे हो सकते हैं, उन इलाकों में स्थानीय लोगों के प्रवेश पर रोक लगा दिए, वहां पर स्थानीय लोग भी नहीं जा सकते। यानी कि अगर स्थानीय लोग नहीं जा सकते हैं तो पुलिस बल की क्या कहें। आपको बता दें, गुमला जो इलाका है पहाड़ी इलाका है और यहाँ पर नक्सली गतिविधियाँ लगातार जारी रहती हैं, जिससे यहाँ पर लगातार सर्च अभियान भी चलते रहते हैं और कई बार यहाँ पर आईईडी बम बिछे रहते हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता अजीत है फुलाइन पर। अजीत, इस तरह की घटना सामने आई है, नक्सलियों ने स्थानीय लोगों पर रोक लगा दी है कि वहां पर वो लोग वहां नहीं जा सकते हैं, क्या कुछ बातें सामने आ पा रही है, आखिर क्या वजह है नक्सलियों के इस तरह के फरमान जारी करने के पीछे? ये बता दो कि यह इलाका और नक्सल क्षेत्र है और घना जंगल होने के कारण नक्सली का यह निवास भी निवासी स्थान है और इस दिनों अभी नक्सली की फरमान से लोग अभी काफी दहशत में भी हैं। नक्सली द्वारा जारी फरमान से ग्रामीण के परेशानी का सबब बना ही है। नक्सली अपने फरमान में कहा है कि जंगल में पशुओं की सख्त रूप से प्रवेश मनाही किया गया है और नक्सली द्वारा बिछाए गए बम को देखते हुए गांव के ग्रामीण को जंगल में घुसने पर रोक लगा दिया है। नक्सलियों के द्वारा लगाई गई है, लेकिन अब पुलिस क्या कुछ कर रही है, क्या हम वहां के जो पुलिस है, क्या इस पर कोई कार्रवाई की गई, क्या सर्च अभियान चलाया जा रहा है? ये बता दूं कि पुलिस अभी लगातार नक्सलियों के विरोध में जो है अभियान चला रही है और पुलिस जो है सो नक्सलियों के खिलाफ में कई अभियान तो चला ही रही है कि जो बीच में कई बार आईडी के ब्लास्ट हुए हैं जिसमें काफी जवान भी। नक्सली एक चेतावनी दे रहे हैं तमाम लोगों की कि बारूदी सुरंग बिछे हो सकते हैं, आईईडी बम लगाए जा सकते हैं, इन चेतावनियों को कितना सीरियस लेने की जरूरत है? लगता हमारा संपर्क टूट गया है। एक बार फिर से आपको खबर बताते हैं, गुमला की खबर है, जहां नक्सलियों ने एक चेतावनी भरा फरमान जारी किया है, वो भी किसके लिए, आम लोगों के लिए। उनका कहना है कि स्थानीय लोग अब पहाड़ों पर ना जाएं, ना जंगली लकड़ियां और ना मवेशियों के लिए चारा लाने जाएं, क्योंकि उन्होंने चेतावनी जारी करते हुए कहा कि आईईडी बम बारूदी सुरंगें बिछाई गई हैं नक्सलियों के द्वारा, तो इसकी वजह से चेतावनी जारी की है कि कोई भी स्थानीय लोग उन इलाकों में न जाए जहां पर नक्सली छिपे हो सकते हैं।